मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा कल हमने पढ़ी थी ये कविता जिसका नाम था प्रकृति की जी। आपको कविता अच्छे से समझ आई है? अब हम आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसके आपको जवाब देने हैं, ठीक है? अगर समझ में आएंगे तो आप अच्छे से जवाब देंगे ना, ठीक है? तो पहले है ये शब्द अर्थ, तो ये बताइए कि तरह तरंग, तरह तरंग का क्या मतलब होता है? चंचल लहर, क्या मतलब होता है तरंग का? मृदुल, मृदुल का क्या मतलब है? कोमल, मृदुल मतलब कोमल। धैर्य, धीरज, धैर्य का क्या मतलब है? धीरज। उमंग, उत्साह, क्या है? उत्साह। जरा हमें ये बताओ कि पर्वत, हमने कविता पढ़ी थी इसमें है कि पर्वत हमें क्या संदेश दे रहा है? क्या संदेश दे रहा है? ऊंचे बन जाओ। क्या संदेश दे रहा है? हाँ, कि हमें इतने अच्छे या इतने महान काम करें कि हम ऊंचे हो जाएं, यानी कि ऊंचाई प्राप्त करें या महानता को प्राप्त करें पर्वत की तरह, ठीक है? तो पर्वत हमें क्या संदेश दे रहा है? पर्वत हमें संदेश दे रहा है कि हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ऊंचाई या महानता को प्राप्त करें। आगे है तरंग, क्या कहती है तरंग? क्या कहती है तरंग? कह रही है भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदु मन। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि हमें अपने मन में मीठी मीठी मृदु मन यानी कोमल, और उमंग मतलब जोश या उत्साह भरना है हमें अपने मन में, ठीक है? तो ये हमें अपने मन में जोश और उत्साह भरने का को कहती है, ठीक है? तरंग क्या कहती है? अपने मन में जोश और उत्साह भरने को कहती है। आगे है धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? तो पृथ्वी क्या कह रही है? पृथ्वी कहती है कि हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी मुसीबत में होना हो, यानी हम कितनी भी मुसीबत में हो हमें कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? तुम बताओ, खड़े होकर बोलो। संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? नभ, यानी कि आकाश। आकाश हमें संसार को ढक लेने की सीख दे रहा है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें स्तंभ का और स्तंभ खा दे रखे हैं, ठीक है? तो स्तंभ का में हमें प्रकृति के कुछ अंगों के नाम दे रखे हैं। प्रकृति के अंग कौन कौन से हैं? बैठ जाओ बेटा। पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी, नाव, ये क्या हैं? ये हमारे हैं पृथ्वी के को प्रकृति के अंग, और ये है उनके इनसे मिलने वाली शीख, ठीक है? तो प्रकृति से मतलब हमें पर्वत से क्या सीख मिल रही है, सागर से क्या सीख मिल रही है, और तरंग क्या कहती है हमें लिए, और पृथ्वी से हमने क्या सीखा, नभ से हमने क्या सीखा है, इनसे हमें क्या सीख मिल रही है, ये उनकी सीखें लिखी है। आपको इनमें उनको सही से मिलाना है। अभी है पर्वत, पर्वत क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कभी धैर्य ना छोड़ो, ये कह रहा है? नहीं। ढक लो तुम सारा संसार, क्या ये कह रहा है? नहीं। क्या कह रहा है? ऊंचे बन जाओ। क्या कह रहा है? ऊंचे बन जाओ। तो पर्वत हमें क्या सीख दे रहा है? ऊंचे बन जाओ। तो हमें पर्वत को ऊंचे बन जाओ से मिलान करना है, ठीक है? आप मिलान करेंगे। और अगले सागर क्या कह रहा है? सागर क्या कहता है? मन में गहराई लाओ। क्या कह रहा है? मन में गहराई लाओ। तरंग क्या कहती है? तरंग कहती है हृदय में मृदुल उमंग भर लो, कि भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ये हमसे कौन कह रही है? तरंग। तो तरंग को हमें इससे मिलान करें, ठीक है? पृथ्वी, पृथ्वी क्या कह रही है? कभी